राजस्थान विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी 114 सीटों पर आगे है, तो वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मात्र औपचारिकता ही बची हुई है। राजस्थान में बीजेपी को मिली बढ़त को देखकर पार्टी के नेता खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार पहले से सीएम के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, साथ ही चुनाव में अपने बड़े सांसदों को भी मैदान में उतार दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है तो राज्य का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। हालांकि औपचारिकताओं के तहत मात्र ऐलान करना बाकी है कि भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में अपनी सरकार बना रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन 5 नामों को जिनको लेकर के राजस्थान में बीजेपी के संभावित मुख्यमंत्री होने पर चर्चा हो रही है। राजस्थान की विद्याधर नगर सीट पर बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने 71,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत लिया है। राजघराने से संबंध रखने वाली दिया कुमारी को सीएम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव के वक्त सीएम वाले सवाल पर दिया हर बार केवल इतना ही कहती हैं कि पार्टी का जैसा आदेश होगा वही काम किया जाएगा। वहीं मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल में दिया कुमारी को सीएम पद के तौर पर 5% लोगों ने अपनी पसंद बताया था। दूसरा नाम है महंत बालकनाथ का। राजस्थान में बीजेपी सांसद और महंत बालकनाथ का वैसा ही जलवा है जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ऐसे में कई लोगों का ये मानना है कि यूपी की तर्ज पर बीजेपी महंत बालकनाथ को राज्य का मुख्यमंत्री बना सकती है। मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल में महंत बालकनाथ को 10% से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें अपनी पहली पसंद बताया था। महंत बाबा बालकनाथ ने मतगणना में तिजारा सीट पर अपनी बढ़त बना रखी है और उनकी जीत सुनिश्चित है। राजस्थान में बीजेपी से सीएम के लिए एक नाम सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जमीन से जुड़े नेता हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ मीणा लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इनसे संबंध भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से अच्छे भी रहे हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर के चौथे दावेदार हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत को भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। जोधपुर लोकसभा से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ है। शेखावत ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है। दरअसल करणपुर सीट पर मतदान से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था, इस वजह से राज्य की 199 सीटों पर ही मतदान हुआ है। वही मुख्यमंत्री पद को लेकर के 5वां और अंतिम नाम राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी है। हालांकि चुनाव से पहले पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था, बाद में वसुंधरा भी चुनाव में एक्टिव नजर आईं। एग्जिट पोल में सर्वे में वसुंधरा राजे को 9% लोगों ने ही अपनी पसंद बताया था। इसके अलावा राजेंद्र राठौर का भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।